उदासीन प्रश्न पूछ रहे हैं। करवा चौथ के व्रत से क्या आशय है? करवा चौथ का व्रत रखने से क्या पति की आयु वास्तव में बढ़ जाती है? कृपया इस भ्रांति को समूचे भारतवर्ष में फैली हुई इस भ्रांति को, इस गुत्थी को सुलझाने की कृपा करें। हमारे मनीषियों ने जो खोजा वो सीधा सीधा आपको बताने के योग्य नहीं था, जैसे कुनीन की गोली। आवश्यक हो कुनीन की गोली तो उसको शुगर कोटेड करना ही पड़ता है। सिर्फ करवा चौथ के व्रत में नहीं, वरन संकट चतुर्थी, गणेश चतुर्थी जैसे कहते हैं, अष्टमी, नवरात्रों के दिन, वर्ष भर में 2 बार नवरात्रे आते हैं, ग्यारस एकादशी का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, चतुर्दशी का व्रत और अमावस्या और पूर्णमासी के व्रत, बहुत से व्रत हमारे मनीषियों ने खोज लिए थे, लेकिन उनको सीधे सीधे बताना मुश्किल था। तुम्हारी चेतना उसे स्वीकार नहीं करेगी अगर सत्य बता दिया गया तो। अब भी मैं सत्य बताऊंगा और आप देखना कितने लोग इस सत्य पे अमल करेंगे। क्यों नहीं अमल करते? क्योंकि सदियों सदियों से ये संस्कार बने हुए हैं। अगर न किया व्रत उपवास तो पति की आयु घट जाएगी। और पश्चिम में कोई करवा चौथ के व्रत स्त्री नहीं रखते। इस्लाम में 57 मुल्क हैं, कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत नहीं रखते। पारसी नहीं रखते, सिर्फ हमारे भारतवर्ष में यह प्रथा है। कारण क्या था? कारण ठीक था जो हमारे मनुष्यों ने खोजा, परंतु शुगर कोटेड करने के कारण भ्रांति उत्पन्न हो गई। पाखंडियों ने, दुकानदारों ने उस शुगर को आपको चटाना शुरू कर दिया कि ये चाटिए, देखिए मीठी है ना। भीतर की कुनीन तक तो वो पहुंचे ही नहीं, बस आपने उसका स्वाद चखा, जीवा को लगाया, मीठा था, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, यही था कारण। लेकिन मनीषियों ने जो खोजा उसका रहस्य कुछ और था। जब आप खाना खाते हैं तो आपको नींद आने लगती है, शरीर शिथिल होने लगता है, मन शिथिल होने लगता है, बुद्धि काम करना कम कर देती है। मन करता है सो जाएं, विश्राम करें, आराम करें। और शायद आपने
इस तुम्हारी स्थिति के बारे में कभी ना सोचा होगा। बहुत लोग कहते हैं कि हम रात को भी सो लेते हैं बाबा, दिन में खाना खाने के बाद भी 1 घंटा विश्राम करना पड़ता है, कारण क्या है? ये व्रत क्यों खोजे गए, क्यों किए गए उपवास? भीतरी कारण आप कभी खोजने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी स्थूल हो गई है कि बस जैसा कह दिया उसको मान लो, मान लो इसीलिए कि आपके भीतर समझने की शक्ति नहीं है, बस मान लो। क्यों प्रयास करना है? समझदार है जिसने बताया है, तो हमने प्रयास क्यों करना है? आपने जैसे ही भारी खाना खाया या खाना खाया, ज्यादा गरिष्ठ भोजन किया, आप देखोगे आप थोड़ी देर में सो जाओगे। कारण क्या है? कारण है, जब आपने खाना खा लिया, सबसे प्रायर बेस के ऊपर शरीर को उस खाने को पचाना है। सबसे पहले प्राथमिक कार्य है उसका, प्राथमिक फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन इज टू डाइजेस्ट योर फूड। तो तुम्हारे शरीर की सारी शक्ति भोजन को पचाने की तरफ दौड़ पड़ती है, तो जैसे ही तुम्हारे शरीर की सारी शक्ति भोजन को पचाने के लिए दौड़ी, शरीर ने शिथिल होना शुरू कर दिया। दिमाग ने शिथिल होना शुरू कर दिया, मन ने शिथिल होना शुरू कर दिया, कारण आवश्यकता थी। ये भोजन पचाना आवश्यक है अगली जरूरत के लिए। अब ये जो स्टोर है तुम्हारे भीतर, यह समाप्त हो जाएगा, नया स्टोर करना पड़ेगा। हम अपने गोदामों में देखते हैं कितनी गेहूं बाकी, कितना चावल बाकी, कितने दिन चलेगा और कितने और स्टोर करना पड़ेगा। तो उस खाने को पचाने के लिए शरीर की सारी शक्ति दौड़ पड़ती है, क्योंकि आगे की जरूरत शक्ति पैदा करनी है और उस शक्ति को स्टोर करना है। हमारे भीतर शक्ति का स्टोर भी होता है। लीवर के भीतर आपकी शक्ति की स्टोरेज होती है। जैसे ही आप व्रत रखोगे, वह रिजर्व शक्ति आपके शरीर को चलाएगी। भगत सिंह ने, शहीद आजम भगत सिंह ने 116 दिन तक उपवास रखा जेल में। कहां से आई शक्ति, कहां से दिल धड़का, कहां से खून मिला रग रग को? वह रिजर्व शक्ति जो उसके भीतर एकत्र थी। जवानी का वक्त था, खूब स्टोर लबालब भरा हुआ था, तो 116 दिन तक वह शक्ति काम करती रहे। अब तुमने भोजन खाया है तो आज के लिए नहीं खाया है, ये बात ध्यान में रखना, यह भविष्य के लिए खाया है, यह स्टोर हो जाएगा। पहले भी स्टोर है, किसी कारण से ऐसी विपत्ति आ जाए कि तुम्हें भोजन नसीब ना हो, दुर्गम स्थान पे पहुंच जाए,
वहां भोजन उपलब्ध ना हो। तो प्रकृति ने तुम्हारे भीतर सभी तरह की आयोजनाएं कर रखी हैं। आपको पता कि ऐसी ही आयोजनाएं सभी पशु पक्षियों के हिसाब से ईश्वर ने उनके भीतर कर रखी हैं। ऊंट रेगिस्तान में चलता है और वहां पर पानी नहीं होता और गर्मी बहुत होती है और खून को चलने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके भीतर ईश्वर ने पानी की थैलियां बना रखी हैं, उसमें स्टोर होता है। जब पानी पीता है, आप ऊंट को पानी पीते देखना, खूब घना सा पानी पी जाएगा एक बार में, इतनी प्यास नहीं है उसे, वह पानी को स्टोर करेगा। ये मरुस्थल का जहाज जब चलेगा मरुस्थल में, तो पानी कहीं नसीब ना होगा और काफी दिन तक बिना पानी के इसे रहना पड़ेगा। ऊंट के शरीर पर ऊपरे कुबड़ होती है, आपने देखा होगा। बहुत से लोगों का विश्वास है कि ऊंट इस कुबड़ के अंदर पानी को जमा कर लेता है, ये विश्वास गलत है। ऊंट में पानी नहीं होता, वसा होती है, फैट्स। जरूरत पड़ने पर इस फैट को वो एनर्जी या वाटर में ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ऊंट के भीतर थैलियां होती हैं, उन थैलियों में पानी को जमा करता है। ईश्वर ने आपकी जिंदगी को बचाने के लिए पहले से ही आपकी भीतरी मैकेनिज्म को उसी तरह से बना रखा है। प्रत्येक जानवर, पशु, पंछी, मनुष्य ऊंट बिना पानी पिए मरुस्थल के भीतर 6 महीने तक रह सकता है। आदमी बिना पानी पिए 9-10 दिन तक रह सकता है, ऊंट 6 महीने तक रह सकता है, इतना पानी रिजर्व कर लेता है अपने भीतर। और जरूरत पड़ने पर वो जो कुबड़ के भीतर उसने जमा की होती है वसा, फैट, उनको ट्रांसफर कर लेता है एनर्जी और पानी में। तो ईश्वर ने आपके जीवन को पहले से ही बचाने के लिए उपयुक्त उपाय कर रखे हैं, आपको अतिरिक्त उपाय करने की आवश्यकता उसने छोड़ी नहीं। करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है? पहली बात, मनीषी चाहते हैं कि आप कम खाओ, मित आहार। भगवान कृष्ण ने गीता में इसको आहार और व्यवहार, समुचित आहार समुचित व्यवहार, जितना थोड़ा खाओगे जरूरत के अनुसार उतना ही ज्यादा तुम्हारा शरीर शक्ति को बचा के रखेगा। जैसे ही खाया, शरीर की सारी शक्ति पेट में चली गई भोजन को पचाने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में वो काम करने लगी। मित आहार, यथा आहार विहार,
जितनी जरूरत हो, लेकिन इनको जो ऊपर शुगर कोट किया गया, सीधा सीधा आप थोड़ा खाने को तैयार नहीं। तो ऋषियों ने इसे शुगर कोटेड कुनीन बना दिया, लेकिन हम भारतवासी कौन सा कम है। जिस दिन व्रत होता है उस दिन लंबी फेहरिस्त हाथ में पकड़ा दी जाती है कि जाओ ये सामान लेके आओ। तो व्रत नहीं होता, वो भरत होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क ज्यादा करना पड़ता है। खाए ही चले जाते। अकेला फल खाकर भी आदमी रह सकता है, और जिस दिन आपने व्रत रखा उस दिन सिर्फ अनाज नहीं खाया, और अनाज न खाने का आपने दबाव भी डाला घर वाले के ऊपर कि आपकी लंबी उम्र के लिए मैं व्रत रख रही हूं, भूखे मर रहे, और इतना खा लिया जितना आम दिनों में खाते ही नहीं, और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके तो इतना खाया कि दो वक्त में इतना खाया नहीं जाता, और जो दिन में खा लिया वो अलग कहानी सुन के खा लिया। ये कहानियां वगैरह सब बकवास है। किसी का पति करवा चौथ के व्रत के कारण लंबी उम्र नहीं पाता। मैंने करवा चौथ वाले दिन सुहागन स्त्रियों के पतियों को मरते हुए देखा है। वे डरती हैं कहीं गड़बड़ हो गई, कोई गड़बड़ नहीं, उसने मरना ही था, तुम रखते ना रखते। भला करवा चौथ वाले दिन व्यक्ति नहीं मरते, मरते हैं, आंकड़ा देखिए आप पूछकर, उतने ही मरते हैं जितने रोज मरते हैं। आपके करवा चौथ का भगवान हिसाब नहीं रखता, आप हिसाब रखते हैं। मनुष्यों ने ये एक प्रथा ईजाद की थी, लेकिन इसको आपसे मनवाया कैसे जाए। वही सिद्धांत पुराना घिसा पिटा मनुष्यों का, शुगर कोटेड कर दो। और करवा चौथ आपके बजट को बिगाड़ जाता है। ब्यूटी पार्लर इनका धंधा, मेहंदी रचाओ, स्त्रियां अपने आप को अप्सरा सिद्ध करने में लग जाती हैं। वही ऋषियों की पुरानी आदत, सत्य कहना है, उनकी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन सीधे सीधे सत्य आप नहीं मानते ये भी वो जानते हैं। तो फिर उसके ऊपर कोट कर दिया गया चीनी का, मीठा लगे। तो अच्छी अच्छी कहानियां सभी ऐसे ही होती हैं, शुगर कहानियों को कहते हैं। ऐसा था, ऐसा हुआ, उसने रख लिया उसकी उम्र बढ़ गई, उसने नहीं रखा उसका खत्म हो गया। सभी कहानी किसी भी कहानी में देख लो, किसी भी वारों की कथा में देख लो, सोमवार मंगलवार जो जितने भी वारों के व्रत हैं, जितने भी वारों के व्रत हैं उसके अंदर वारों के व्रत का महत्व बताया होगा, तरीके बताए होंगे और उसका फल बताया होगा। क्या होता है ऐसा, क्योंकि अगर आप कहानी में लालच न खाओगे तो आप ये व्रत रख नहीं सकोगे। जन्नत में होती हैं पूरे, जन्नत में बहते हैं शराब के झरने, चश्मे। ये लालच हर धर्म ने
आपको दिखाया। वो तो धर्म चाहे कोई भी हो, प्रत्येक ने जो पुण्य कर्म समझा, जो ठीक समझा मनुष्य के लिए, वो समझाने के लिए सीधी सीधी बात नहीं की, उसको कहानियों में आपको समझाया गया। ऐसा था, एक राजा था, उसके इतनी पत्नी थी, इतना था, ऐसा था, ऐसा। आप देखिए कहानियों से भरा पड़ा है हमारा पुराण, ये भागवत सप्ताह। थोथी बकवास। मुझे पूछा किसी ब्राह्मण की लड़की ने, बाबा मैं भागवत सप्ताह की कथा करना शुरू कर दूं? मैंने कहा धंधा बढ़िया है, रोजगार का बढ़िया सिलसिला, सरकार तो देती नहीं रोजगार, कर लो, ब्राह्मण हो, स्टैंप लगी है ब्राह्मणत्व की, ठीक लगेगा। तो ब्राह्मण के बच्चों ने यह काम शुरू कर दिया, बढ़िया है। जब एक एक सात दिनों में दस दस बीस बीस लाख रुपए तुम्हें मिलते हैं, ऐसा तो कोई धंधा नहीं है जिसमें इतनी तनख्वाह हो। तुम्हारे से बड़ा बड़ा बड़े से बड़ा गजेटेड ऑफिसर इतनी तनख्वाह नहीं पाता है। फिर बुक होते हैं वर्षों तक के लिए। आप इनकी साइट्स पर जाइए और देखिए उन साइट्स पर कितनी बुकिंग है। लोगों का पागलपन रोज बढ़ रहा है, आज मिटाने वाला भी कोई नहीं रहा, मिटाने वाले खुद ये धंधा करने लगे। उन्होंने कहा कि हम भी इस पागल दौड़ में शामिल हो जाएं। अभी पांच चार दिन पहले मेरे पास मेरे चैनल कंट्रोलर का फोन आया, बाबा हम भी शॉर्ट्स डाल दिया करें। क्यों, काहे, जरूरत क्या है? बाबा थोड़ा सा मीडिया प्रचार हो जाएगा, जिसके लिए हम बोल रहे हैं वहां तक भी तो पहुंचना चाहिए। बात ठीक है लेकिन बात गलत भी है। प्रचार का एक धंधा हो गया है मूढ़ लोगों के लिए। शॉर्ट्स डालो, तुम्हारा चेहरा पहचान में आ जाएगा, लोग तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएंगे। जितने लोग आएंगे उतने कमाई बढ़ेगी। मेरी मां मुझे कहा करती थी, बेटा मेरे पांच बेटे हैं, अगर एक बेटा पांच पांच रुपया भी लेके आएगा, बहुत साल पुरानी बात, अगर एक बेटा पांच पांच भी लेके आएगा तो शाम को 25 आ जाएंगे। मैंने कहा माता तू भूल कर गई। तो कैसे? मैंने कहा तूने दूसरा पक्ष तो सोचा ही नहीं। अगर एक बेटा शाम को पांच पांच मांगेगा तो 25 तू कहां से लेके आएगी? भूल हो गई ना? हाँ हाँ हाँ, ये बात ठीक है। जितने ग्राहक आएंगे उतने कुछ लेके आएंगे। धंधा बढ़िया है और उन लोगों के लिए जो लोग कह रहे हैं ये माया साथ नहीं जाएगी, और खुद 10 लाख लेके हेलीकॉप्टर की उड़ारी मार देते हैं, चलो अब घर चल, अब लौट चले। फिर अगला प्रोग्राम कब है वो देखेंगे। पाखंडों में उलझ के रह गई है दुनिया, कोई कितना भी क्यों ना समझाए, और एक पाखंड को आप छोड़ देते हो तो संस्कार तो पाखंडों को ग्रहण करने के बने ही हुए है ना।
आप दूसरा पाखंड अपना लेते हो। सिख धर्म में आज श्राद्ध नहीं करते, पितरों को नहीं मानते हैं, है भी नहीं, कहां है पितर। अगर तुम्हारे पितर तुम्हें तंग करते, थूक देना चाहिए ऐसे पितरों पर जिनके तुम पूजा करते हो। अंग्रेजों को उनके पितर कभी तंग नहीं करते। जॉर्ज टॉमसन, कुरियर फूरियर, किसी को तंग नहीं करते, कोई तंग नहीं करता। वहां लेने देने को कुछ नहीं है, उन्हें पता है मलंग है, जो 5 दिनों में कमाएंगे 2 दिन में खा जाएंगे। आपके पितर आपको तंग करते हैं। मेरे पास 100 में से 95 केस ऐसे आते हैं, बाबा कुछ कर किया कराया है, देखो तो। मैंने कहा मेरे से मत पूछो, किसी और से पूछो और मैं जवाब तुम्हें बतला देता हूं। हैं? मुझे बतलाते भी नहीं और जवाब भी बतला देते हो? हाँ, किसी और से पूछो, मेरे से मत पूछो और जवाब सुन लो। हाँ, तुम्हारे ऊपर करवाया हुआ है और इसका इलाज करवाना पड़ेगा और इतनी दक्षिणा लगेगी। जवाब मैंने दे दिया, जाओ परख करो मेरी बात में कितना दम है। सही पाते हैं वो लोग। भाई दुकानदार है, दुकानदार का धर्म और कर्म क्या होता है? यही तो होता है। मीरा अपनी सुगंध बिखेरने के कोई पैसे नहीं मांगती आपसे, क्यों? क्योंकि उसका आपसे कोई लेना देना है ही नहीं, ना कछु लेना ना कछु देना। कबीरा मगन कबीरी में मनडो लागो मेरो राम, फकीरी में फकीरी मैं मन लाग्यो मेरो राम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिलही साहेब मिलही सबूरी मैं मनडो लाग्यो मेरो राम। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी मैं मनडो लागो मेरो राम, फकीरी मैं मनडो लागो मेरो राम। साहेब मिलही सबूरी में, ये शिक्षा देने वाले लोग 10-20-30 लाख लेकर हेलीकॉप्टर पे उड़ारी मार देते हैं। खुद सबर नहीं, आपको क्या खाक सबर सिखाएंगे। कबीर खुद नहीं देखता है, कपड़ा बुनते हैं और खुद के कपड़े कभी ख्याल नहीं किए।
नानक कभी ख्याल नहीं किया। उन्होंने बालों में कंघी फेरी नहीं फेरी, कभी ख्याल नहीं किया। मेकअप कराने का कभी विचार नहीं आया। आप फिर भी इनके पीछे दौड़ते चले जाते हैं। आप नहीं दौड़ते, आपका लोभ दड़वाता है, यहीं से मिलेगा। मिलता कुछ भी नहीं, उसको भी नहीं मिला जिससे आपको उम्मीद है। पूछो उससे, उसकी तमन्नाएं अभी बाकी हैं, और जिसकी तमन्ना भरी नहीं, वह आपको तमन्नाएं छोड़ने की बात करे, ये ठीक है? ये उपदेश ठीक है? ना कछु लेना ना कछु देना, कबीरा मगन कबीर में। लेकिन कबीर जब नाचते हैं आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। मीरा नाचती है, नृतंगनाएं आपसे पैसा वसूलते हैं। मीरा किसी लालच के वश नाचती ही नहीं, मीरा नाचती है भीतर का आनंद स्फुरित होता है, उस आनंद का जश्न मनाने को नाचती है, अपने लिए तुम्हारे लिए नहीं। मीरा का नाचना उसका आनंद है, और आपका नाचना आपका व्यवसाय है। मीरा का नाचना उसका आनंद है, चैतन्य का नाचना उसका आनंद है, और आपका नाचना आपका व्यवसाय है। व्यवसाय और आनंद में बहुत फर्क होता है। व्यवसाय लालची है, आनंद लुटाता है। व्यवसाय इकट्ठा करता है, व्यवसाय मांगता है, आनंद लुटाता है। जितने भी व्रत आप रखते हो, किसी वार के हिसाब से, किसी तिथि के हिसाब से, सोमवार का हो, रविवार का हो, किसी तिथि का हो, चतुर्थी का हो, अष्टमी का हो, एकादशी का हो, त्रयोदशी का हो, चतुर्दशी का हो, मावस या पूर्णमासी का, इसके पीछे एक ही रहस्य था, एक ही कारण था। क्या कारण था? जब तुम्हें नींद आने लग जाए तो समझ लो तुमने जरूरत से ज्यादा खा लिया है। सीधा सा फार्मूला आपको बता दूं, क्योंकि आपके भोजन को जितनी जरूरत है उसको पचाने के लिए जितनी शक्ति चाहिए, दैट इज ऑलरेडी रिजर्व्ड, उतनी शक्ति लगेगी ही, और शरीर बचा के रखता है, उस शक्ति को खर्च नहीं करता। अगर आप मित आहारी हो, मित आहारी का मतलब कम खाना नहीं है, ध्यान रखना, जरूरत के हिसाब से खाना है, जितनी आपको आवश्यकता है। मित आहारी का मतलब जितनी आपको युक्त आहार विहारस्य, शरीर को जरूरत पड़ेगी 24 घंटे में। रात को सोए हो, रात को तो खा ना सकोगे, तो हार्ट को धड़कने के लिए, फेफड़ों को श्वास लेने के लिए, हार्ट को पंप करने के लिए सारे शरीर में ब्लड, और ब्लड साथ लेके जाएगा एनर्जी को और ऑक्सीजन को, और उसके लिए शक्ति की जरूरत पड़ेगी। अगर शक्ति खत्म हो गई तो हार्ट चलेगा नहीं। जैसे पेट्रोल खत्म हो जाता है,
आपकी कार ठहर जाती है। लेकिन कभी आपने टैंकी भरने के बाद भी पेट्रोल डलवाया? कार में, बाइक में नहीं डलवाते। कारण, कारण भर गई है, लेकिन आप अपने शरीर की कार के साथ ऐसा करते हो, जितनी जरूरत नहीं डाले ही चले जाते। भस्मासुर, भक्षणासुर, भक्षण का जरूरत के हिसाब से खाओ और आप जरूरत के हिसाब से खाते हैं। तो फिर ऋषियों को क्या करना पड़ा? टू बैलेंस योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी को बैलेंस करने के लिए, संतुलित रखने के लिए एक दिन व्रत का आयोजन किया गया। उस व्रत के, क्योंकि आप रख नहीं सकते थे, कड़वा था, रह नहीं सकते, कोई कारण चाहिए रखने के लिए, कोई लालच चाहिए उसकी इबादत के लिए, कोई लालच चाहिए। जन्नत में मिलती हैं हूरें, जन्नत में बहते हैं शराब के चश्मे, बस फिर आप रोजे रख लोगे? फिर आप धार्मिक किताबों को पढ़ लोगे? फिर आप जैसा कहा वैसे कर लोगे? इसका अर्थ कुछ और था, मैंने पिछले प्रवचनों में आपको बताया भी है। तुम नहीं खाते हो, ये शरीर खाता है। भला तुम कार के भीतर ड्राइव कर रहे हो, पेट्रोल तुम खाते हो, कार खाती है, तुम्हारा शरीर खाता है, और अपने शरीर को चलाने के लिए उतनी ही आवश्यकता होती है जितना फ्यूल जरूरत होती है कार को। जीवन को संतुलित करने के लिए ऋषियों के पास यही फार्मूला था कि आपको लोभ दिखाया जाए, लोभ के बिना आप भूखों नहीं मरोगे, और आपकी जिंदगी को बैलेंस करने के लिए भूखे रहना जरूरी है। या आप गोगणे देखिए, जैन मुनियों के व्रत रखते हैं, कई कई दिन के व्रत रखते हैं। मैंने कि जैन मुनि से पूछा, गोगड़ भरी, मैंने ये गोगड़ क्यों बढ़ी है? तुम तो व्रताहारी हो, व्रत रखते हो। उसको जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे जवाब बताया। जब तुम एक वक्त नहीं खाते तो दूसरे वक्त तुम चार वक्तों का खाना खा जाते हो, यही कारण है गोगड़ बढ़ने का, पेट फूल जाता है। मित आहारी को आप वेल स्ट्रक्चर्ड पाओगे, ना उसका पेट बढ़ेगा, ना वो थुल थुल होगा, कितनी भी उम्र हो जाए उसकी, क्योंकि उसने युक्ताहार करना है। उसने उतना ही फ्यूल डलवाना है कार के भीतर जितना उसे चाहिए। तुमने जाना 10-20 किलोमीटर है, तुम 2000 किलोमीटर के लिए थोड़ा ही तेल डलवा लोगे। ऊंट पानी पीता है क्योंकि उसे पता है कि रेगिस्तान में दूर तक, लंबे रेगिस्तान, महीनों तक की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और कहीं पानी उपलब्ध नहीं, तो इकट्ठा पानी पी लेता है। जहां पर ऊंट बनाए ईश्वर ने, आप देखना, वहां पर नजदीक आपको पानी नहीं मिलेगा। यह प्राकृतिक व्यवस्था है ईश्वर की, आपसे ज्यादा समझदार है वो, जिसे आप उससे ज्यादा समझदार समझते हो खुद को, जिसने रचना की इतनी सृष्टि की, और आप सृष्टि का एक जर्रा भी नहीं बना सकते,
आप ज्यादा समझदार मानते हो, सिर्फ बस मान्यता में वाकई ही आप समझदार हो, लेकिन वास्तव में आप समझदार नहीं। व्रत टू बैलेंस योर लाइफ इसलिए था, 6 दिन खूब खा लिया, 1 दिन व्रत रखो, और तिथियों को खूब खा लिया, अब चतुर्थी का व्रत रखो। उस संकुट चतुर्थी कहलाए या पति की उम्र बढ़ाए, ये तो सिर्फ कहानियां थी, और एक मजाक की बात। एक डॉक्टर मुझे कहने लगे, मेरे पास आया करते थे, अजूबा प्रश्न पूछ लिया, बाबा हम डॉक्टर हैं, बच्चों के ऑपरेट करते हैं, डिलीवरीज, ये अगस्त और सितंबर के महीने में इतने बच्चे ज्यादा क्यों होते हैं, या जुलाई थे आखिर में, समझो ये कारण क्या है, बताओ बताओ। बड़ा मुश्किल प्रश्न। तो मैंने बाबा से पूछा, मेरी समझ में तो नहीं आया, मैं कम बुद्धि का इंसान, तो मैंने बाबा से पूछा, गहरा प्रश्न है, वो पूछा भी बड़े जीनियस प्रश्न है। ये जुलाई का मध्य आखिरी और अगस्त और सितंबर, इन महीनों में बच्चे ज्यादा क्यों होते हैं हिंदुस्तान में? बड़ी सर को घुमा देने वाली बात थी, और वो गलत भी नहीं बोल रहे थे, उनके आंकड़े कैसे गलत हो जाते हैं, हो ही नहीं सकते, जिनके पास केसेस आते हैं डिलीवरी। मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप बताओ इसका रहस्य क्या है? तो बाबा मुस्कुराए, बोले करवा चौथ है, करवा चौथ से अगस्त और सितंबर और जुलाई का मध्य के बाद बच्चों का होने का संबंध आप नहीं जानते, हम आशीर्वाद देने के लिए जब निकलते हैं संग पार्वती, तो करवा चौथ को रात्रि दे दनादन दे दनादन, समझदार लोग, इससे ज्यादा ना बोलूं तो समझ गए होंगे, यही कारण है, यही 8-9-10 महीने रहना होता है बच्चे, फिर अगले साल। हिंदुस्तान में, लेकिन देखिए बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता, वहां करवा चौथ है ही नहीं। जब एक आम औरत आपको अप्सरा लगेगी, तो आप विश्वामित्र की तरह बहक ही जाओगे। मैं किसी ब्यूटी पार्लर का काम समाप्त करने को नहीं, क्षमा कर रहा, मैं जो बाबा ने बताया वो ही बतला रहा हूं, और मुझे इस बात में कुछ सत्यता भी लगी, मुझे नहीं बाबा को सत्यता लगी तो मुझे भी लगी, बात भी ठीक है। मेरा खुद का जन्म अगस्त का है, मेरे छोटे भाई का जन्म अगस्त का है, हंसिए, हंसने की बात नहीं है, आपको ज्ञान दे रहा हूं, ऐसा ज्ञान भला आपको वात्स्यायन सूत्रों में मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही कुछ होता है, आप कुनीन के ऊपर चढ़ा लेते हैं शुगर, करवा चौथ के व्रत का आंतरिक रहस्य क्या है बाबा? करवा चौथ का नहीं,
सभी व्रतों का आंतरिक रहस्य बता दिया मैंने, सभी पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप चाहे तिथि के हिसाब से व्रत रखो, चाहे वारों के हिसाब से व्रत रखो, व्रतों का कुल महत्व इतना है, टू बैलेंस योर डाइट। थोड़ा आराम दो मशीनरी को, थक जाएगी। मिताहारी लोग ही ज्यादा उम्र के पाओगे। आमतौर अगर उनकी कर्मों की श्रृंखला खराब ना आ गई हो तो बहुत से और भी फैक्टर्स काम करते हैं उम्र में। देवराहा बाबा कहते हैं 650 साल जिए और सिर्फ दूध ही पीते थे। बहुत लोग मुझे कह देते हैं अन्न छोड़ करे पाखंड, ना ओ सुहागन ना ओ रंड। उनको खुद भी इस बात का पता नहीं कि दूध पीने का अर्थ, थोड़ा उनकी मात्रा तो देखो जो दूध पी रहे हैं। आप अन्न को तो गिनते ही नहीं, हम कितना खाना खा जाते हैं। मैंने 100-100 रोटियां खाते लोग देखे हैं, अब आप हैरानगी मानोगे। मेरे ही परिवार में थोड़ी सी दूर के रिश्तेदार में एक व्यक्ति 100 रोटियां खाता था, क्या करे उससे, ये जरूरत है तुम्हारी। और शरीर कुंभकर्ण जैसा होगा ही, इतना लेवल इकट्ठा स्टोरेज हो जाएगा चर्बी का तो शरीर फूलेगा ही फुटबॉल की तरह। सिर्फ करवा चौथ का रहस्य मत पूछो, सभी व्रतों का रहस्य आपको बतला रहा हूं। टू बैलेंस योर डाइट एंड टू प्रोवाइड रेस्टफुलनेस टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, तुम्हारे पाचन क्षमता को आराम देने के लिए। इनको भी जरूरत है, तुम्हें पता नहीं चलता, आपका हृदय भी थोड़ी सी देर के लिए आराम कर लेता है, तुम्हें पता नहीं चलता। तुम्हारे फेफड़े तो आराम करते ही हैं, लंग्स तो आराम करते ही हैं, तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारा हार्ट, जिसके रुकने से सब खत्म क्षण भर में, वो भी थोड़े से वक्त, आपको पता नहीं चलता, थोड़े से वक्त वो भी आराम करता है हर धड़कन के बाद। आपके शरीर का सारे अंग थोड़ी 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 देर विश्राम में लीन होते हैं। विश्राम बड़ी चीज है, आराम बड़ी चीज है, हर एक मशीनरी को आराम चाहिए। आराम देने के लिए व्रतों की खोज की गई थी हमारे मनुष्यों के द्वारा, लेकिन तुमने व्रत को भी विकृत कर लिया। हम भारत के लोग बहुत समझदार हैं, कन्निंग है, चालाक है, हमने उसको व्रत में तब्दील कर लिया। ये कोई व्रत नहीं था, बस व्रत का कारण जानो साइंटिफिकली और व्रत रखो। और जरूरत नहीं है इस बात की कि आप करवा चौथ को ही व्रत रखो, आप पूर्णमासी को ही व्रत रखो, या अष्टमी को ही या एकादशी को ही व्रत रखो। अपने शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने के लिए मित आहार जरूरी है, या मित आहार नहीं कर सकते तो एक दिन फुल्ली रेस्ट, यही इसके पीछे का कारण था, रहस्य था। न तो पति की आयु बढ़ती है, हां आपकी आयु में फर्क पड़ सकता है,
क्योंकि आपके शरीर की संरचना को आराम मिले और जिसको आराम मिलेगा वो फिर से नई स्फूर्णा से काम करेगा। आपकी उम्र में फर्क पड़ सकता है, जो व्रत रखते हैं उनकी उम्र में फर्क पड़ता है, और अक्सर आप देखोगे स्त्रियों की उम्र पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है। उसका कारण भी यही है, स्त्रियां बीच बीच में आराम लेती रहती हैं, पुरुष निरंतर पागलपन की दौड़ में लगे रहते हैं। आज दोनों के भीतर का फासला कम होना शुरू जरूर हुआ है, ये ठीक है, ये मूढ़ मान्यताओं को छोड़ो, किसी की उम्र नहीं बढ़ती है और किसी की उम्र घटती भी नहीं, खाने या ना खाने से। भीतर के संकल्प अवश्य परिणाम दे सकते हैं, उनकी चर्चा में कभी बाद में करूंगा। भीतर के संकल्प काम कर सकते हैं लेकिन उनकी चर्चा अभी बहुत लंबा प्रसंग हो जाएगा, वो भीतर के बहुत गहरे तलों की बातें हैं, जब मैं वहां तक उतरूंगा तो वहां की बात भी आपको बताऊंगा। प्रश्न आया था उसको मैंने अभी उसका जवाब थोड़ा सा ठहर के देना चाहता हूं। व्रत उपवास इसलिए हमारे हिंदुस्तान में गाहे बगाहे कहानियों को गढ़कर प्रसन्नता व्यक्त की गई, होली मनाई गई, हालांकि कोई प्रहलाद नहीं हुआ, कोई हिरण्यकश्यप नहीं हुआ, कोई होलिका नहीं जली, कोई प्रहलाद नहीं बचा, ये सब मूढ़ता की बातें हैं, लेकिन मूढ़ता के पीछे ऋषियों की बहुत गहरी रिसर्चें छुपी हुई हैं। आप सदा दुखी रहते हो, संसार जीवन दुखी है, इस दुख के जीवन में आग जलती हुई में थोड़ा सा आनंद मना ले और कारण ढूंढे और कहानियां बनाई गई, और ये हिरण्यकश्यप और प्रहलाद ऐसी बहुत सी कहानियां हैं सिर्फ आपको झूमने के लिए, नृत्य करने के लिए। फूहड़बाजी होती है होली में, इसमें कोई शक लेकिन आपको क्षणिक खुशी दिलाने के लिए ये त्योहार बनाए गए थे, इसलिए हिंदुस्तान में जितने त्योहार होते हैं शायद किसी अन्य मुल्क में नहीं होते। ये जश्न मनाने के दिल पैदा किए गए थे ऋषियों के द्वारा, बीच बीच में जश्न के दिन आपको विश्राम मिल जाता है और अगले दिन नई स्फूर्ति जगती है, ज्यादा मेहनत से काम कर पाते हो आप, बस आराम का यही मतलब था कि आराम से जब उठोगे, रात्रि को प्रकृति ने विश्राम दिलाया, आपको आराम दिलाया, क्यों? क्योंकि सुबह ज्यादा शक्ति के साथ अपनी दिनचर्या कर सको। विश्राम की महत्ता है, अगर कोई व्यक्ति लगातार जगता रहे मुश्किल हो जाएगा जीना, दुविधा में पड़ जाएगी जिंदगी, संकट में पड़ जाएगी जिंदगी। ये था कारण। करवा चौथ हो, बहुत से प्रश्न ग्यारस के बारे में भी पूछे, एकादशी के व्रत का क्या महत्व है, तुम्हारे पंडितों की किताबों को छोड़ दो, कहानियां अलग अलग होंगी या बिल्कुल ठीक, लेकिन पीछे का रहस्य एक है, वो जो रस है उस सबके भीतर एक ही है, मनीषियों ने उस रस के कारण गाहे बगाहे आपको दिन और तिथियां उपलब्ध करवा दी गई, कोई तो रखेगा,
कोई बाबा से डरता रखेगा, कोई श्रद्धा बस रखेगा, रखेगा तो भूखों तो रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम तो मिलेगा, बस यही था बुनियादी कारण। लेकिन आपने अर्थ का अनर्थ कर लिया, आप प्रत्येक मेले को विनष्ट कर देते हो, उसके भीतर की रहस्यों को जानने के कारण नहीं देखते कि क्यों मनाया जाता है। दिमागों में गुंडियां फंसा लेते हो, इसलिए आपका दिमाग आज दिमाग नहीं रह गया है, एक उलझा हुआ जाल रह गया है। इसको कोई सुलझाए भी तो कैसे, और जैसे ही कोई सुलझाने की चेष्टा करता है उसको आप गालियां निकालते हो, सूली दे देते हो, जहर पिला देते हो, जो कुछ भीतर भरा है वो ही बाहर आएगा। स्वस्थ इंसान को काटोगे खून आएगा, और फोड़े को काटोगे जो स्वस्थ इंसान के ऊपर हो अस्वस्थ इंसान के ऊपर हो, उसमें से मवाद ही तो निकलेगी। तुम्हारी गालियां तुम्हारी मवाद को सिद्ध करती हैं और कुछ नहीं, और बुद्ध की करुणा और बुद्ध का प्रेम उसके भीतर के प्रेम और करुणा को ही सिद्ध करता है, क्योंकि जो भीतर होगा वही तो चीरा लगाने से बाहर आएगा। अगर बुद्ध शांत होते हैं, खुशबू को फैलाते हैं, बिखेरते हैं, प्रेम का आपको आह्वान करते हैं और कहते हैं कि घृणा से कभी घृणा को मिटाया नहीं जा सकता, प्रेम ही से घृणा को मिटाया जा सकता है, प्रेम ही एक ऐसा रसायन है जिससे आप घृणा को समाप्त कर सकते हो। लेकिन आप घृणा को घृणा से मिटाना चाहते हो, जो कभी संभव नहीं हो पाएगा। कभी बुद्ध हारेंगे नहीं, बुद्ध सदा जीतेंगे। प्रत्येक व्रत उपवास के पीछे यही कहानी थी। कहानियां चाहे आपने कोई बना ली हो, बात अलग है, बनी है मुझे पता है, मैंने सभी कहानियां पढ़ी भी हैं, सब बकवास, थोथी बकवास, कुछ नहीं हुआ ऐसा। बस इतनी बात समझ लेना कि कहानियां शुगर है, उसके भीतर की कुनीन को आप चूक जाते हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता ऐसी है। मनीषियों को आपको लालच देना ही पड़ता है, वो चाहे किसी धर्म के मनीषी क्यों ना, आपको सब्ज बाग दिखाने पड़ते हैं, सचखंड के, सतलोक के, मुक्ति के, तरह तरह के, स्वर्ग के। और अगर आप लालच में ना हो तो आपको भय दिखाना पड़ता, जैसे सरकारें करती हैं। अगर लोभ से ठीक नहीं आता ये व्यक्ति तो इसके ऊपर लगा दो रेड, लगा दो किसी भी महकमे की, लगा दो काबू आ जाएगा। और जो रेड से भी ना ठीक आए तो फिर उसके आगे हाथ जोड़, तीसरा तो कुछ है ही नहीं, दो ही तरीके हैं, या भय दिखा दो या लालच दिखा दो, बस और कोई रास्ता है, बाकी तो उसके सह रास्ते ही हैं, कितने भी बना लो। व्रतों का सिर्फ मात्र महत्व यही था। कोई भी व्रत हो, मेरे पास बहुत से प्रश्न आए हैं, अमावस्या के, पूर्णिमा के, एकादशी के, चतुर्थी के, त्रयोदशी के, चतुर्दशी के, अलग अलग तिथियों के, अलग अलग वारों के, लेकिन सभी को मैं एकदम से जवाब दिया, बस मेरी ये एक वीडियो काफी है।
सभी के लिए एक सद है, सब सद है। इस एक को जान लो, सभी का जवाब मिल गया। इसका कारण था आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना। ऐसे तो तुम बंद नहीं करोगे, ऐसे तुम पाप करना बंद नहीं करोगे। आपको नरक का भय दिखाना होगा या स्वर्ग की खूबसूरत नजारे दिखाने होंगे। दोनों में से किसी में तो बाज आओगे ही। अगर फिर भी नहीं सुधरोगे तो फिर नहीं सुधरोगे। फिर इसी हाथ खड़े कर देंगे, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाए। हमने सारे फार्मूले वर्त लिए, व्रत उपवास का यही कारण था। करवा चौथ, किसी की उम्र लंबी नहीं होती है, ध्यान रखना। किसी से चूक नहीं होती है कि जिसका पति मर गया है उससे कोई व्रत करने में चूक हो गई होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भारत से बाहर की स्त्रियां नहीं व्रत रखती हैं करवा चौथ का, और कोई भी व्रत नहीं रखती हैं, ध्यान रखना। और आपसे ज्यादा सुखी हैं, यह भी ध्यान रखना। आपसे ज्यादा आजाद हैं, संगलों में बंधी हुई नहीं है। पश्चिम की युवतियों को देखो, वहां अगर आदमी स्त्री को तंग करता है तो 911 चलो पुलिस आ जाएगी। रोज मेरे पास केस आते, आदमी को पकड़ ले गए, स्त्री को पकड़ ले गए, वहां कोई भेद नहीं है। जो हरेस करता है उसको पटको, रोज मेरे पास केस आते। हिंदुस्तान में ये लालच और भय, लेकिन आज उगड़ गया है सब कुछ। अब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई बाहर आ गई। अब तो चंद्रमा के ऊपर पांव रख दिया नील आर्मस्ट्रांग ने। जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और दो अन्य व्यक्तियों में जो साथ गए थे, उन्होंने रोंद दी बच्चों की मामा की जमीन, चंदा मामा दूर के, उनके ऊपर पांव रगड़ दी, 5-5 किलो के बूट उनके। लेकिन चंद्रमा को फिर भी देखना है आपने, भ्रांतियों के कारण। देखिए, ऐसी बात नहीं, सभी बातों में भ्रांति नहीं। मैंने कल ही एक वीडियो डाली, पूर्णमासी के चंद्रमा में, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में, ये भी मनुष्यों की खोज थी। लेकिन साफ साफ बतला दी गई, क्योंकि इसमें आप कोई ठगी ठोरी नहीं कर सकते। जिसमें आप ठगी ठोरी कर सकते हो, उसके लिए ऋषियों को उपाय खोजने पड़े, भय या लोभ। ये तो सीधा सीधा फार्मूला, औषधीय गुणों से भरपूर होता है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, इसलिए स्पष्ट बतला दिया गया। और जिन चीजों में आप खुद को भी धोखा दे जाओगे, उन चीजों में उन्हें उस उपाय को खोजना पड़ा जो या तो आपको लालच देते थे या आपको भय देते थे। यह सीधी सीधी बात को सोचोगे तो सब समझ आएगा। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मोज ठहर जाएगी, सभी शास्त्र उगड़ जाएंगे। अगर ढंग से याद करोगे, देखोगे, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मोज ठहर जाएगी। धन्यवाद।